बेसिकली ये डॉक्टर साहब के साथ रब्ता इस तरह हुआ था कि अरे ये काफ़ी लंबी वो एक वीडियो में शायद आपने रिकॉर्ड किया था। तो ये कि वहाँ पर एक ज़माने में मेरी यूँ समझिए मैं यहाँ से जब बाहर गया था तो मैं इस इरादे से गया था कि मैंने वापस आना है, और यहाँ से मैं बाहर इसलिए गया था क्योंकि जैसे होता है ना यहाँ पर सोसाइटी में आपको बड़ी पेन नज़र आती है, कुछ गलत चीज़ें नज़र आती हैं, एक पूरी लिस्ट है इधर। तो मैंने फैसला किया कि उस वक्त कि जुल्म है, कोई जालिम है, इसका भी आपको उसका जवाब मिल जाए, जुल्म है, जालिम है, मैं मजलूम हूँ, और एक बड़ा ना ग्रैंड प्लान तैयार किया कि बाहर जाऊँगा, पढ़ूँगा, वापस आऊँगा, सोशल पॉलिटिकली एक्टिव होगा और ये वाली चीज़ सिस्टम से उखेड़ फेंक होगा। तो वहाँ पर गया, वहाँ पढ़ना शुरू किया, फील्ड मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड मैं बहुत स्पीड से गुजर रहा हूँ, इसकी अगर तफसील हो तो एक आपने रिकॉर्ड किया था ना वो आधे घंटे का कोर्स था कि वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड से गुजर रहा हूँ। तो वो जब पीएचडी के दौरान जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा था तो अपने तजस्सुम में मैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस और एआई इनका इस्तेमाल चल रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल उस इल्म रियाजी को इस्तेमाल करता है कि जो कि जिस तरह इंसान का दिमाग की जुजियात या उसके जो फंडामेंटल न्यूरॉन जिस तरह काम करता है उसको उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लेके उसको यूज़ करके तो इंटेलिजेंस यूज़ कर। उससे मुझे अपने तई कुछ दावा नहीं करा, अपने तई ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि इंसान किस तरह सोचता है, जिसको वो गम कहता है उसको क्यों गम कहता है, जिसको वो खुशी कहता है उसको वो क्यों खुशी कहता है, जब वो खुश होता है तो क्या कौन सा एस्पेक्ट है जो कि उसको फील कराता है कि वो खुशी है, और जिससे हम अखलाकियात कहते हैं वो क्या है, वो उसके पैमाने का बड़ी तफसील तलब है। लेकिन ये चीज़ शुरू तमाम चीज़ों कट शॉर्ट ये करता हूँ कि मेरे पास रियाजी से कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस से बड़े वाज़े सबूत मुशाहिदा सब मौजूद है, और एआई के बंदों के पास एक मौजूद है कि इंसान की फ्री विल नहीं है, कोई फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ, अंगूठे यूँ कर रहा हूँ, आप इस तरह बैठे ऐसे ही होना था, और इसकी नॉन लीनियर डायनामिक्स और केओस थ्योरी और उससे पूरी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है कि हम किस तरह एक पेचीदा निज़ाम है जो जैसे वो टर्म यूज़ करते हैं ना ऑटो, उसके ऊपर किस तरह एक सिस्टम चलता जा रहा है। मैं तो यहाँ से गया था किसी जालिम को भय लगाने जाऊँ, मतलब उस तरह नहीं था कि कोई रिवोल्ट करना था, पर ये कि जी आऊँगा सिस्टम में और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म सुनी होगी मेरी आपने उर्दू में उसको मैं इज़हार-ए-दाद कहता हूँ कि वो करेंगे और उस तरह और अब चेंज द सिस्टम इंस्पायर और ये तो आपको एक जालिम मिला हुआ था ना कुछ जो भी आप कहें कि फलां जालिम है। लेकिन मैं पाकिस्तान को बहुत मिस कर रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहना चाहता था, कि मैं बाहर सिर्फ इसलिए गया था कि मैं वापस आना है, तो मैं जुदाई में था। और मुझे उस दिन पता चला कि परदेसी का गम क्या होता है, वो बहुत शदीद है, बहुत पेनफुल है, होम सिकनेस जिसे वो कहते हैं परदेसी का काम बहुत सारा। तो मैं एक दिन अब जब पीएचडी का भी कुछ अर्सा गुजर गया, ये भी कि जी मेरे स्टूडेंट होते थे कुछ पाकिस्तानी कुछ वो फॉरनर्स, तो मैं जब अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन कर रहा होता था
मैं उनसे गुफ्तगु में कहता था कि ये देखो इस तरह इंसान सोच रहा है, इस तरह वो सीख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डाले हुए और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं उनको कहते हैं अच्छा ये हो रहा है जिसको हम सीखना कहते हैं ना, जिसको हम ये कह रहे हैं ये देखो ये हो रहा है। वो भी हंसते थे, हम भी हंस के तो चले गए। और सब ये कहते हैं एक शोर आना एक और चीज होती है, और वो शायद जरूरी नहीं कि ये दोनों फौरन क्लिक कर जाए। तो आप देख रहे हो एंजॉय कर, लेकिन जब एक दिन मैं यहाँ पर आया, जो एयरपोर्ट है ना ये बड़ा जालिम जगह है, बहुत जालिम जगह, इसके उस पार प्रदेश होता है, ठीक है, तो इसके साथ बड़ी अजीब मेमोरीज है मेरी। ये जो जाने वाला आने वाला वक्त बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यारा, जाने वाला वक्त बहुत बुरा होता है। तो जिस दिन मैंने फ्लाइट थी मेरी, तो मैं बैठा वाला मैं नहा रहा था, मैंने कहा कि भाई तुझे किसने कहा था कि तू बाहर चला जाए। मैंने अंदर अपने आप से बातें होती थी, मैंने कहा कि जी ये जी फलां वो फलां फलां साहब नहीं थे, उन्होंने ये स्यापे डाले थे, आप उसको खत्म करने के लिए। लेकिन अब क्राइसिस कहाँ से, इसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, या इसका तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते, यानी कि आपके अंदर जात में पहली वो टूट फूट शुरू हो। जब मैंने वो मैंने कहा कि ये जालिम साहब थे, इनको मैंने फाइन लगाना था, मतलब उनको भी लगाना था, मतलब सिस्टम को चेंज करना। अब जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरे पास मेरे अंदर से ही क्रिएट हुआ वो ये था कि उसने ये उसका फ्री विल एक्शन नहीं था, उसने यही करना था, और उसकी एक पूरी एक रीजन है। वो एक और बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब कई घंटों पे चला जाएगा, इसलिए मैं उसको शॉर्ट करता हूँ। मुख्तसर ये कि मुझे मेरे तय चूंकि फ्री विल नहीं थी, यूँ कह लें ठीक है ना, टू बी सेफ चलते मेरे तय नहीं थी, तो मैंने जब अपने आप को मुझे जवाब आई कि उसकी तो फ्री विल नहीं थी, तो अब जो है ना वो पहली दफ़ा वो ज़मीन हिली कि मैं एक ऐसे काम के लिए मैंने इतने सालों का प्रदेश काटने पर मजबूर हो गया, और अब मैं फंस भी गया कि जब तक वो नहीं होता मैं वापस नहीं आऊँ। तो मेरे अंदर एक वजूदियाती कर इमर्ज किया, ये जो राय स्वरूप में ये आता है, इसे मीठा कर भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो कर नहीं होता जिसे आप कहें, कोई अजान वैसे अजाब में नहीं आई होती, आपने खुद अपनी देकर आते अपनी सोच से अपने अंदर के क्राइसिस से। तो जब मानवीयत खत्म हो गई, मकसदियत खत्म हो गई, तो एक बड़ा क्राइसिस आया हुआ था। तो फिर फेसबुक पे ना मुख्तलिफ फॉरम्स थे जहाँ पे डिस्कशन होती थी कि अगर फ्री विल नहीं है तो फिर इसका क्या ऑप्शन है। वहाँ पे कहीं पे मुल्हदीन थे, कोई मुशक्कक थे, मुल्हदीन यानी जो खुदा को नहीं मानते, मुशक्कक यानी कि जो एग्नोस्टिक्स हैं। एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता वो होगा, हमें नहीं पता, उसको कह डेरी आके कहे कि वो नहीं है, कहेंगे ये भी नहीं हमें पता, तो मैं कैसे कोई क्लेम कर दूँ जो मुझे पता ही नहीं। वो इसके बीच में रहते, तो कुछ मतलब मल्टीपल एक स्पेक्ट्रम था, तो उधर बहुत बहसें होती थी। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर गया फ्री विल के हवाले से, मतलब 33-33 सफ़ों की खतों किताबत चलती थी फलसफा दानों से, अदबा से, शुअरा से, हमारे कमेंट्स के ऊपर ही 900 सफ़ों की वो बन जाती थी, फिर वो अपलोड होती थी बुक्स में जी फला इतना वो चलती। वहाँ पर डॉक्टर साहब जो है ना उन फॉरम्स पे थे, वो गुफ्तगु को सुनते थे, वहाँ पर जानों माल के खतरे हो जाते थे। लेकिन चूंकि मेरे गुफ्तगु का अंदाज अमूमन ऐसा रहा था कि जो लोगों को लोग उस पर कंफर्टेबल थे, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बनते थे। उस वक्त डॉक्टर साहब चूंकि मेरे सारे दोस्त थे, मुल्हदीन भी मेरे साथ कंफर्टेबल थे, कट्टर मजहबी लोग भी कंफर्टेबल थे, तो उन्होंने जो फॉरम के ऊपर इतनी बड़ी वो बहस होती थी, कत्ल भी हुए हुए इसी बात, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे उस फॉरम के एडमिन बना दिया था ताकि वो मैनेज करें। वहाँ डॉक्टर साहब भी आते थे, ड्राइव करते थे, वो इनको क्योंकि मेरी बहुत कम बात हुई, लेकिन इनकी अटैचमेंट बनी थी उस वक्त मेरे साथ, मेरे इनका बहुत कम रबता था, तो लेकिन इनकी अटैचमेंट बनी, इन्होंने मुझे मोहब्बत दी। और एक जुमला कहते होते थे कि मैंने आपको जब से देखा है या बात की है, तो मुझे उस दिन से पता है कि मुझे आपके काम आ, ये बात होती 2013 में, लेकिन हमारी गुफ्तगु नहीं होती थी क्योंकि मैं अपने वो क्या कहते हैं स्यापों में
इनमें था कि ये क्या अज़ाब हो गया वो क्या, फिर उसके बाद एक पूरा प्लेथोरा ऑफ इवेंट्स है जिसको अगर अभी बताने बैठ गया तो वो आप बस बीच में चंक्स स्किप कर लेंगे, बाकी मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगा। तो उन्होंने फिर इस तरह बातचीत हुई, फिर ऐसे इवेंट्स होते चले गए कि 2015 की बात है, 2015 के जुलाई के पहले हफ्ते की बात है, जब डॉक्टर साहब का जो है उन्होंने फिर बकायदा मैसेज में भी एक रब्ता मेरे साथ होता है और उस टाइम फिर ये बात होती है। इससे पहले ये हो रही थी ये बात कि उनको ये पता है कि कुछ होना है, कुछ समथिंग इस तरह की कुछ वो बातें वो और भी होगी और थी कि ना, लेकिन इस तरह की बात थी वो कर रहे थे। लेकिन 2015 से पहले जब इनकी ये बातचीत चलती थी ग्रुप में, तो ये बुखारी साहब सदर बुखारी साहब जो उनका ये बताते थे कि उन्होंने क्या किया, और कि जो हेडलाइट एरिया में जो बच्चियों के साथ जो जुल्म होता था उसके ऊपर उन्होंने कुछ तहरीर शेयर की, ऊपर तले 4-5 जो है वो शायद होंगी के पास, बड़ी तफसील से की कि बुखारी साहब ने क्या किया। तो मेरा जो लाइफ का क्राइसिस था वो शुरू में एक मीठा दर्द था, वो चलते चलते वो एक बड़ी खौफनाक उसने एक शक्ल अख्तियार की। एक तो ये होता है कि अंदर ही आप साइकोटिक हो जाते हैं, वो नहीं था, क्योंकि वो जैसे मैं कहता ना आप अंदर से मुस्बत होते हैं जब, तो फिर बाहर के हालात भी ट्रिगर होते हुए वो इर्द-गिर्द की कायनात भी उस तरह हो चुकी होती है। अगर आपके अंदर टूट फूट हो चुकी है, कोई मानवीयत अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप मौलक है, तो आपके एक्शंस कुछ ऐसे ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेंट्स क्रिएट करते हैं कि आप हकीकत में भी एक मौलक हालत में फंस जाते हैं। बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। उसमें ऐसा भी इवेंट आया कि मैं ब्लाइंड भी हो गया, 3 साल ब्लाइंड रहा, मेरी आंखों से मैंने पानी निकाल के अंदर टेप भर दिया हुआ था और मुझे यूं गर्दन करके ना बैठना पड़ता, और मैं शिद्दत से पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि कोई ताकत ने मुझे अंदर से जकड़ के ना उधर कॉर्नर में बिठा दिया। उन 8 ऑपरेशन हुए, वो जो रेटिनल डिटैचमेंट कवर ऊपर तले वो ट्रॉक सुनी जो होती है ऑयल भर दे, वो चूँकि 60% इधर के 70% इधर के उखड़ गए थे। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप यू आर उन्होंने ब्लाइंड डिक्लेयर करके ये कहा था कि आप जो डिसेबल्ड का है ना इदारा उधर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि उनके मुताबिक प्रोग्नोसिस इतना वीक था इट वॉज इम्पॉसिबल कि मैं कभी रीड कर सकूंगा, ड्राइव कर सकूंगा, कंप्यूटर कर सकूंगा। मैं अपने PhD का थीसिस उस टाइम देख रहा था, तो लेकिन मैं इतनी दूसरी चीज़ों में इतनी पेन में था कि जब मेरे ये रेटिना उखड़े तो बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन मैंने उस टाइम थोड़ा सा शुक्र सा किया, इसलिए नहीं कि रेटिना उखड़े इसलिए बिल्कुल नहीं, वो सब पेन आई थी, लेकिन इसलिए शुक्र किया था कि इतने शदीद आप अजाब में पड़े हो, तो अंदर भी चल रहा है, बाहर भी हो गया, सब कुछ हो गया, कि जब आपका रेटिना उखड़ा और आपको मेडिकल लीव पे पुश कर दिया गया ना कि जी अब आपको ऑफिस में भी नहीं बैठना, आप उधर भी है, बल्कि आप बेसमेंट के अंदर अंधेरे में बैठे, तो मुझे रिलीफ फील हुआ थोड़ा और मैंने कहा मैं उधर तवज्जो कर सकता। तो ये 2016 में ये इवेंट हुआ, लेकिन 2015 में इन्होंने से पहले ना ये बुखारी साहब के सारा इवेंट आया, और मेरा क्राइसिस है आपको पता, मैंने बताया कि इतना शदीद हुआ कि उसके नतीजा वो काफ़ी बड़ी वो एक डिफरेंट डिटेल है कि कैसे अंधा हुआ, बदायर में ये कहता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ, सेपरेट स्टोरी है। लेकिन उस दौरान जो बुखारी साहब के मैंने जिंदगी का पढ़ा ना कि कितनी शदीद हालत में वो बंदा खड़ा था और अपनी भली निभा रहे थे, तो मेरे ऊपर भी एक ऐसा क्राइसिस था कि मुझे अपनी भली निभानी, और मैं एक दुराहे पे था ऐसी जहां पे मैं 2 टुकड़े हो रहा था, भली निभाऊं तो एक और चीज मैं टुकड़े होता था, भली ना निभाऊं तो मेरी जात टुकड़े होती थी और एक और चीज में टुकड़े होता था। तो वहां पर मेरी फीलिंग ये थी कि जैसे ना मुझे चीरा जा रहा, लेकिन मेरा दिल ये बताता था कि अगर मैंने भली ना निभाई तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा क्राइसिस, तो भली निभाने पे मैं मजबूर था। वहां पे जब अब ये बुखारी साहब का भली निभाना है ना, जो इसकी जो मिसालें आई वो के भली निभाने की कई मिसालें होती, लेकिन जब इनकी मिसाल आई तो मुझे ये बहुत
मेरा दिल उनके साथ जाके ना वो अलाइंड हुआ, क्योंकि उनका जो क्राइसिस है उस एक तो जाहिर है ना कि फला बंदा है उसको ये मसला है, एक बंदा वो आ रहा है और उसको जा रहा है, लेकिन मेरे मैंने बुनियादी अलाइनमेंट उनकी ज़ात की तजरीद यानी एब्स्ट्रैक्शन कि उसकी ज़ात में क्या चल रहा है, उसके पास सब कुछ है, उसको छोड़ के बैठने पे मजबूर है, उन लोगों की मदद कर रहा है, उस पर जिल्लत आ रही है, मार पड़ रही है, सब कुछ पड़ रही है, हर चीज़ छुटी हुई है, तो मुझे ना उनके ऊपर उनके सुचल होने पर मेरा दिल आया, ये सच्चा बंदा है, जो उनका सच्चा होना है वो उसने मुझे उनके साथ अटैच किया बुखारी साहब। और ये जो मैंने अभी जो मैं बोल रहा था वो दुआ मुझे मेरी मुराद पूरी करे ना करे, वो जो उसका सुचलपन है जिसने उसने वो किया है तो मैं उनके साथ, तो ये मेरी वो अटैचमेंट बननी शुरू हुई। और फिर वो ऐसे हालात भी आए कि क्योंकि मैं इनसे कह रहा था कि मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन कुदरत मुझे उधर पुश कर रही है और मैं मुझे लगता था कि मैं भली भी निभा रहा हूँ लेकिन फिर भी कुदरत पुश कर रही है। फिर रेटिना उखड़ के अंधा हो गया मैं, वो तो उस ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट कॉयल का होता है, आपको तो पता है आपको जो है ना गर्दन क्यों रखनी होती, और ये इसका ये मतलब नहीं कि एक दो दिन रखनी होती, महीना दो रखनी होती, सोना भी यूँ होता, और मेरे इस तरह के ऊपर तले ऑपरेशन होते थे तो मैं यूँ बैठा होता था, मुझे यूँ लगता था कि आप बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जंजीरें तोड़ के, कैरियर की परवाह नहीं, फैमिली की कोई परवाह नहीं, और आप कहते हैं मैंने जाना है पाकिस्तान, और कुदरत इतनी एलिगेंट है कि वो उसको कोई कहानी और बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि आपको कोई बंदा रोके ये रोके, उसने आपको अंदर से ऐसा वो नुक्कड़ पे डाल दिया, नुक्कड़ भी नहीं वो अंधेरे में नीचे उधर आप यूँ करके बैठे फोर्स होते ना, वो जैसे आप बड़ी तपस्या में आप यूँ आए ना शेर की तरह उछल के उसको यूँ पकड़ के, मुझे नहीं वो कार्टून में दिखाते एनिमेशन यूँ उसने कुछ छोड़ा बंद किया धूम वो आप यूँ गिरदर कर, दो साल में उस हालत में ये फिर डिफिकल्ट है कि आप यूँ बैठे हुए आंखों में तेल भरा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में है, आपकी ना मानवीयत आपकी कोलैप्स हुई, यू डोंट नो कि आपको क्यों जाना है बट यू नो कि आपको जाना है, और वो आपकी तरह वो एनर्जी है और आप उतना रिस्ट्रेंट आपको किया हुआ है गर्दन नीचे यूं करके और अंधेरे में, वो अंधेरे में उधर उधर के बेसमेंट उस तरह के नहीं जैसे पाकिस्तान में वहाँ पे तो हम गर्मियों में सर वो पंखा लगा के सोने भी चले जाते, वो उस तरह के जैसे इविल डेड पार्ट टू अगर आपने देखा ना खौफनाक किस्म के सारे घरों के नीचे उधर होते हैं जाए, उस अंधेरे में मैं बैठता था, तो जो दो साल गुजरे ना पल पल उस तरह, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ एक वक्त और बड़ा कुछ हुआ, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि एक तो बताना थोड़ा वक्त तलब है, दूसरा वो ना ही पता चले सोचा तो बस ये चांद गया। तो उस दौरान फिर जो है ना जबकि मेरी आंखों के रेटिना का भी डॉक्टर साहब को जब पता चला तो इन्होंने खास तौर एक तो 2015 में भी इन्होंने खास तौर पे बात की थी, मैंने भी सफदर बुखारी साहब के हवाले से की थी और मैं सफदर बुखारी साहब के बारे में काफ़ी क्वेश्चन किए, तो उनका सुचलपन कनेक्ट करता रही, जब रेटिना उखड़े तो फिर डॉक्टर साहब को भी जब पता चला तो वो खास तौर पे कहते हैं उन्होंने एक केयरिंग उनका एक मोड आया, बड़ा रबते में रहे और बुखारी साहब की बातें होती थी तो फिर ग्रुप पे आए, तो फिर ये जो उनका सुचलपन है ना बुखारी साहब वो सुचलपन जब रिफ्लेक्ट होता है फिरौसियत के तौर पर, तो फिर मेरे लिए ये अहम था कि वो सुचल है मैं उसके साथ, ये उसके साथ सुचल मैं इसके साथ, ये मेरे साथ सुचल है मैं इसके साथ, एंड दैट मुझे जैसे कोई मुझे अगर पूछे कि क्या दुआ की वजह से मेरी आंखें वापस आई, तो ये मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक और क्राइसिस में था, मेरी आंखें गई तो मैंने ये शुक्र किया कि दुनिया की टेंशनें खत्म हुई और मैं उसको फोकस कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मेरी रियाजत में उस बंदे की रियाजत ने मुझे कुर्बत दी कि अच्छा मैं साथ हूँ जो तू मेरे साथ है, और मैं फिर मैं निकल आया, तो जब तू मुझसे पूछता है कि दुआ के एक्सपीरियंस में आपकी आंखें ठीक हुई तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये दुआ की वजह से दुआ पर, क्योंकि मेरा मैं ये कहता हूँ मेरे दरून की उसने शिफायाबी की ये मुझे पता है,
क्योंकि वो बड़ी वो आई डोंट नो इधर बैठी हैं वो चली गई, वो जो अभी बात बोल रही थी कि उनके दो जो लाइन है ना वो महाबयानिया है दुआ के हवाले से जो वो फरमा गई, ये अपने से अपने का सफर है। और ये जो हम बार बार करते हैं ना, बार बार अपने आप को बता के, ये सारा जो प्रोसेस है ये दुआ है। वहां पर अपने अंदर की साथ जो फाइट कर रहे होते हैं और अपनी एक एक मानवीयत तोड़ रहे होते हैं, एक एक बुद्ध टूट रहा होता है, और एक एक यूनिक एक होता है ना साइकोटिक हो गया है बैठे बैठे अपना बुद्ध तोड़ रहे। रियलिटी थी बड़ी शदीद लेकिन वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत टाइम चाहेगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक अदाब एक नया खुल जाएगा तो। लेकिन अंदर वो चीजें टूट रही और उस हालत में आप अंधे भी हुए होते और आप पाकिस्तान भी आना। उस वक्त एक मुकाम ऐसा आया था शिद्दत से, जब डॉक्टर साहब ने तो पूछा कि जी अब क्या, मैंने कहा कि जी मेरे साथ तो अन्नी मच गई है। तो हम फिर एक ऐसा हुआ वो जैसे मैंने कहा ना कि आपको बिला मशरूत अपनी जात के साथ खड़ा होना पड़े, मैंने वहां पर एक शर्त बांधी कि अगर ये ना हुआ तो अब तो मैं थक के गिर रहा हूँ ना, क्योंकि अब आप देखें ना किस हालत पे एक बंदा पहुंच गया है, उधर पहुंचा हुआ। तो मैंने कहा अगर ये हो गया तो फिर तो शायद मैं पाकिस्तान नहीं आ सकूंगा, या मैं नहीं आऊंगा, या मैं थोड़ा मुझे भी बताते भी होते हैं कि तीनों ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन फिर कोई बात मानवीयत रहे ना रहे, जो आपका जो आपकी जात करना चाहती है ना वो आपको लेके खींचती ही चली जाएगी, और वो आपका असल इश्क होता है, उसका आपको शायद पता भी ना हो, आप वो करते चले जाते हैं, उसमें आपकी मानवीयत आपका चाहिए खत्म हो जाए ना हो जाए, आप वो कर रहे हो उसको, करते ही चले जाते हैं, होता ही चला जाता है। वो तो एक तफसील होती तो बस एक जो सुचल पाना है बुखारी साहब का, इनका उनके साथ, इनका मेरे साथ, ये जो है ना वो बुनियाद बनी है। फिर वो मोहब्बत चलती होता है सुचाल और तजस्सुस दूर यह है और बढ़ गया कुछ क्या। इसमें से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ये जो फ्री विल की आपने बात की है, या मेरा ये हमेशा से मैं सोचता हूँ, दुआ में आने के बाद भी सोचता हूँ, दुआ से पहले भी सोचता हूँ, एक कोई जो अल्लाह को नहीं मानता एथिस्ट है, ठीक है, अल्लाह ने उसे अपना जलवा नहीं दिखाया, बेसिकली वो ढूंढ रहा है लेकिन अल्लाह ने उसे कोई झलक नहीं दिखाई, कोई मिरेकल नहीं दिखाया, और वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, या मैंने कोई साइन नहीं देखा, तो ये भी उसे अल्लाह लेके चल रहा होता है ताकि उसकी जो सवाल है वो बढ़ते जाए और उसकी क्यूरियोसिटी मजीद क्यूरियस होता जाए। अगर तो वो ऑनेस्ट रहता है तो कोई ना कोई उसे झलक मिल रही होती है, लेकिन उसमें भी अल्लाह उसके ऊपर रैप कर देता है ताकि उसे बाद में कुछ अल्लाह ने बढ़ा देना होगा। अब स्टीवन वाइनबर्ग है, साइंटिस्ट है, रिचर्ड डॉकिंग है, ठीक है, और इनकी बेशुमार साइंटिस्ट हैं, ये अपनी साइंस में ऑनेस्ट है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन में ऑनेस्ट है, ये लोग अपनी जगह पे ऑनेस्ट है, लेकिन फिर भी इन पे जलवा नहीं खुल रहा या इनको पता नहीं चल रहा। और जो अपनी जात की बात है, ये भी तो उनकी जात ने इनको कहा है, इनका जो इश्क है वो बेसिकली साइंस है, या अगर हम स्टीफन हॉकिंग की भी बात करें तो उसकी जो तलब है वो जानना है, बेसिकली वही उसको लेके चल रही है, और जो उसके सवालात हैं और उनके जवाब जो उनकी इंट्यूशन है उनको खींचती जा रही है, और उनकी भी तलाशी चल रही है, ये लोग भी मतलाशी ही हैं, बेशक इन पे पहले जलवा नहीं खुला हुआ। अब ऐसे लोग आखिरी टाइम पे इनके आगे इनका अपना आप अपनी जात जो इनकी हायर सेल्फ है वो इनके आगे आ जाती है, उस पर ये क्या ये कह सकेंगे कि हमें तो पता नहीं था और हम आपको ही ढूंढते रह गए, जो एग्नोस्टिक वाली बात है। ये जो है ना, बल्कि इससे मैं एक दिलचस्प चीज बताऊं, जब इतने सीवियर इवेंट्स चल रहे थे, मल्टीपल कंसल्टेशन चलती थी, मेडिकल साइकोलॉजिकल पूरे पैनल, उनके इतना बड़ा केस बन गया था कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स के पैनल्स इसको सॉल्व करने के आए थे, सबकी एक ही राय थी कि दिस इज नॉट साइकोटिक, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये साइकोटिक नहीं है, नफ्सियाती नहीं है, बल्कि एक रियल थी, वो उनको पता था, वो भी बड़े तफसील बतानी पड़ी थी। उसमें एक पैनल जो था, एक हाइपनडॉफ हॉस्पिटल के थे, आका हाबुर के थे, एक यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अपने एक कंसल्टेंट्स थे, उनमें से एक ने
कहा, उन्होंने उसने ये बोला कि हालांकि वो लोग ऐसी बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि आपको मिरेकल की ज़रूरत है, ये मैंने बोला। लेकिन उसने अब ये जो आपके सवाल का जवाब था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आया, तो उसने फौरन साथ पेश किया। उसने कहा लेकिन क्योंकि वो जैसे हर सरजमीन की एक अपनी तारीख होती है, तो यूनान का फलसफे की तारीख है, तो उधर की जो फिजा और उधर की गुफ्तगू और उसमें एक फलसफे का वो होता है, पढ़ते भी होंगे और उनके हीरोज भी अरस्तू वगैरह के होंगे। इसका जो दूसरा मुल्क जिसके फिलोसोफर्स पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उनके तो कबल मसीह थे ना, जो जदीद दौर का जो सब कुछ हो रहा है उसके सारे फलसफादान जर्मनी से, हेगल कांट है, मकाल मार्क्स है, अभी नेम इट, और वो जर्मन है तो, और कुछ फ्रांस के भी हैं। तो उसने ना एक फिलोसोफर का जिक्र किया कि उसने क्वेश्चन पोज किया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ मिरेकल, क्या पता मिरेकल हो रहा हो, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि मिरेकल हो रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं उस मिरेकल को देख पा रहे या आइडेंटिफाई, देखने ज्यादा आइडेंटिफाई करना उस मुनासिब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो तब क्या हो रहा, यू नीड अ मिरेकल, इट मे बी हैपनिंग बट इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो उसने फिर ये कहा था कि अब वो, चूंकि मैंने भी अपनी कई फिलोसॉफिकल डिस्कशंस की थी, उन्होंने ये कहा है, साल बाद मैं उसके पास स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर गया था ये बताने के उस अपॉइंटमेंट का, मैंने कहा मुझे उसका जवाब अपने तई मिल गया। फिर है वो भी एक डिस्कशन दो घंटे की थी कि मैं उसको बता रहा था कि मेरे मुताबिक उसमें मैथमेटिक्स और कुछ चीज़ें बहुत थी, उसका मैं आपको कभी जवाब दूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई मिरेकल फ्रॉम माय एस्पेक्ट, मेरा कहा आप पे हुज्जत नहीं है, लेकिन जो मैं कोई जो भी अगर कंट्रोल सिस्टम या मेरे आतिया क्लॉस थ्योरी से जो चीज़ें पढ़ रहा था उससे मुझे लगा कि ये है मिरेकल। बल्कि मैं उसके समरी दे देता हूँ, क्योंकि वो लुबे लुबा क्यों समझें, फर्ज करें ना कि ये आपका जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपकी जिंदगी का एंड पॉइंट, कोई भी मंजिल है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इधर चला जाऊं, इधर नहीं जाना, और आप जान मार रहे हैं अपना ना इधर करते करते, तो आप ये पाथ अपना लेंगे और आपको के लिए उधर जाना है, लेकिन आप इस पाथ से इधर पहुंच जाएंगे, और अगर आप इसको यहाँ से चेंज करते हैं तो आप कीजिए अब मैं पहुँच जाओ, क्योंकि वो इस पाथ से इधर पहुँच जाए, आप जो करते रहेंगे ना पता नहीं इधर से घुमा के लाएंगे तो इधर से ये इसको हिट कर जाएगा और ये यहाँ पे पहुँच के आपको वो ले लेगा। नाउ मिरेकल मीन्स के आप अपनी जान मार लें और तिबियात के कवानीन के मुताबिक जो खुदा की कज़ा के मुताबिक आए हुए हैं आप ये मंजिल बदलवा दें, आप नहीं बदलवा पाएंगे क्योंकि उसकी तबियत की दुनिया आपको उधर जाने नहीं देगी। तो लिहाजा मेरी जो नुकता था वो मेरे लिए हुज्जत है, यानी कि वो मुझे सेटिस्फाई करनी तो होता था जो मैं कहूँ आपको ना करें, क्योंकि मेरा तजर्बा मेरी हुज्जत है, लिहाजा आपको हुज्जत नहीं। लेकिन मैं उसके पास गया था कि मेरे तई मिरेकल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, और वो ये है कि अगर इसी तरह ही है ना तो आप इसका जो मर्जी पाथ बदलेंगे ये जाके इसी में घुस जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं बदल दूंगा ना आज, इसको पाथ को नहीं इसको, ये हल्का सा भी इसमें चेंज ले आऊंगा, बहुत हल्का, इतना हल्का है कि ये पता भी ना चले बजाहिर, ये उसमें नहीं जाएगा कम अज कम, इतना चेंज ले आता है ये जिंदगी के पाथ में ना, ये और कहीं चला जाए। देखिए ये जो तब्दीली है ना, जो आपकी जात के अंदर तब्दीली होती है, और ना सिर्फ आपकी जात के अंदर तब्दीली, आपकी ये तब्दीली आपसे जुड़े मल्टीपल नोड्स, अब ये टेक्निकल मल्टी, ये एक नोड है, ये नोड है, ठीक है ना, आप मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड लोग उनके पाथ और मंजिलें बदल देता है वो एक इवेंट, वो जब आप देखें ना कभी कि वो हो रहा है, किसी के पाथ चेंज नहीं, अगर वो खुद तब्दील नहीं ना हुआ, वही डेस्टिनेशन है उसकी, वही रहेगी, चाहे वो कहे जी मैंने यहां से अकल लड़ाई ना, अकल ये डू करो वो डू करो, वहीं पे जाके मरेगा, क्यों आग लगाई गई है ना तो आग में जा रहा है जाएगा वो, यहाँ पे जो उसकी पहली तब्दीली है ना वो उसका पाथ हो सकता है, पाथ फिर भी गहरे लेकिन वो चला जाएगा, उसकी मंजिल बदल जाएगी।
جو اس کی اپنی تبدیلی, اور جب اس کی اپنی تبدیلی ہے نا جو اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ایونٹ دیکھیں جس میں ایک بندے میں چینج آیا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں آیا اور ان کی منزلیں بدل گئیں, یو آر ایکچولی فرام مائی ایسپیکٹ یو آر سینگ اے میریکل, آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کہ میرے تئیں اور میرے تئیں کی ڈیفینیشن میں بھی اگر آپ اس معجزے کو دیکھیں تو یہ تب تک آپ نہیں پہچان پاتے جب تک آپ کو آپ کے شعوری صاحب کو درست کرتے, آپ کو آپ کے شعور کی حدوں سے بھی چیر کے باہر کوئی چیز فورس پش کر دیتی ہے نا, کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے اس سے بھی بیونڈ آپ کو اس نے پش کیا ہوتا ہے, وہاں پر آپ کی وہ حالت بنتی ہے کہ آپ, اور یہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ کی تلب چھٹ جاتی ہے نا اور آپ کہتے ہیں میں خالی ہو گیا, اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا, اس وقت آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, وہ آپ کے سامنے ہی موجود رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کی جتنی ذات سے متعلق نعمتیں ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کوئی نئی نہیں ملتی ہیں, آپ کو ان کا شعور ہی آتا ہے, وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں, آپ کی صحت, آپ کی زندگی, آپ کی بقا, آپ کا قرار, آپ کے پیارے جن کا آپ شکر نہیں کر رہے ہوتے لیکن کوئی مصیبت آتی ہوتی ہے اور پھر آپ پتہ چلتا ہے تو پہلے سے پاس تھا, تو وہ آپ کے پاس ہوتے, آپ کے معجزے آپ کے پاس ہوتے, جلوے آپ کے سامنے ہوتے, یہ میں میریکل کو سکتا, جلوے بھی سامنے ہوتے. اور لیکن فری ویل چونکہ نہیں ہے تو اس کا وہی پاتھ تھا, پھر اب ادا خود بخود کمارے عشق کی بات ہے کہ اس کا کھیل اس نے یہ رچایا ہے, وہ کسی کو پہچانتے ہوئے ادھر تک لے جائے گا, کسی کو اس کے بغیر لے جائے گا, لیکن جو پاتھ ہے وہ اسی طرح ہی ہو. اور اس لیے وہ جو خیر و شر کا سوال ہے نا اس کے جواب میں اس کی روشنی پہ دینا چاہتا ہوں, دیز آر ڈینجرس, وہ کیا کہتے ہیں, وہ نالجز ہیں, ڈینجرس نالجز ہیں, اس کی وجہ سے آگہی کے کرب آتے ہیں, آگہی کے کرب پہ جیسے رومی کہتے ہیں نا ہر کے ہو بیدار تر پر در تر, ہر کے ہو آگاہ تر رخ زر تر, یعنی کہ جو بیدار ہے وہ پر درد ہے اور جو آگاہ ہے اس کا چہرہ زر, لیکن یہ آگہی کے کرب آتے ہیں, یہ بھی ڈٹرمنٹ ہے اس کے اوپر جو آپ نے بیہیویئر کرنا ہے وہ بھی ڈٹرمنٹ ہے. لیکن جب اب وہ جیسے پیچھے بات ہوئی دعا پہ, جب آپ اس کے ساتھ اس آگہی پہ جس پہ آپ لڑائی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نئی طلب, عقل کہتی ہے اب یہ ادھر سے کرو ادھر سے کرو, نئی چیزوں پھنستے چلے جاتے ہیں, لیکن جو تنہائی جب آپ کو ریلیکس کرواتی ہے اس پہ وہ کرتی ہے نا وعلیکم السلام, تو یہی آگہی لطف بن جاتی ہے یہ آپ کے لیے. لیکن یہ لطف بھی اگر آپ کی اس کی جو ایکچوئل ٹرم ہے نا وہ یہی ہوگی, اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کہ اگر آپ کے نان لینئر ڈائنامک سسٹم کا وہ ڈیسٹینیشن طے ہے یا آپ کے آگاہی نے لطف میں کنورٹ ہونا تھا, اٹ شیل بیکم لائک دیٹ, اینڈ اف ناٹ ناٹ سو بیئر وتھ. اس لیے جو دعا اور ہر چیز ایونچولی جا کے ادھر پہنچے گی کہ اچھا جی آپ کو وہ قسمت ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو بلے بلے نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی بلے بلے کرنا پڑے گا. طلب کا چھٹنا ہوتا ہے بیسیکلی, مطلب جب طلب چھٹتی ہے بندہ پانی کے بھاؤ کے ساتھ ہی چلنے لگ جاتا ہے اور وہ فلو کی کیفیت آ جاتی ہے جس کو صوفیاء حال کہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا. اب طلب تک چھٹتی ہے جب بندہ ہار جاتا ہے اور کمرہ بند ہو رہا ہوتا ہے, دیواریں آ رہی ہوتی ہیں, اب ہینڈل تو کرنا جب گن آ گیا تب تو کچھ بھی نہیں بندہ کر سکتا. اب طلب چھوڑنے کی کوشش بھی کریں وہ بھی مزید طلب کو زیادہ کر دیتی ہے اور اس سائیکل میں پھر عقل میں پھنس جاتا ہے اور یہ جو ایگزسٹینشل کرائسس ہے وہ پھر آتا رہتا ہے اور انسان اپنے آپ سے بہت دور ہوتا جاتا ہوتا جاتا ہوتا جاتا, اپنے اندر کی جنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے انجینئرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے اس پہ میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں کہ فلاں کو سمجھ آ گئی, فلاں نے پک کر لیا, میں اس کو کیوں نہیں ڈیزرو کر پا رہا یا یہ اللہ میرے سے کروانا نہیں چاہ رہا, اس میں انسان نئے نئے طریقے نکالتا ہے, نئی نئی ٹیکنیکس نکالتا ہے, یا کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس وقت جب بندہ تھک جاتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا یا اب میری بس ہو گئی ہے یا اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, مجھے طلب چھوٹنا ہے, جب وہ انسان اپنی کوشش کر کے ہار کے اس کو کچھ یقین آ جاتا ہے کہ میں زیرو ہی ہوں, تو جب وہ پھر زیرو بنتا ہے تب اس کے اندر آتا ہے, تو انسان کو پھر کوشش کرتی رہنی چاہیے تاکہ اس کی طلب چھوٹ جائے گا, اس میں کیا کریں. ہاں یہ ایک, اب اس کا جو آپ کی پوری گفتگو ہے نا جس پوائنٹ پہ پیوٹ کر رہی ہے وہ ہے چاہیے. قادر القضاء کی حتمیت کی کائنات میں چاہیے ایگزسٹ نہیں کرتا, اس نے اگر آپ کا یہ پاتھ لکھا ہے
वो आप पे ये चीज आपके शोर पे चाहिए उतार के करवा रहा हो और आप वो करने पे मजबूर हो, तो आप जिस भी चाहिए को मिसाल पे आप ये समझाना क्यों मुश्किल है, लेकिन आपको इस मिसाल दे, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस का एक एक्सपेरिमेंट है टीयू बर्लिन में हुआ, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप अपना दाया ऊपर करें और बाया अपनी मर्जी से, कभी दाया करें दो दफा दाया जितनी जो जब जो हाथ हिलाता रहा करें, ठीक है। अब आपने ये किया, अगर मैं आपके सर पे इलेक्ट्रोड्स रखूँ, इलेक्ट्रोड्स में वो जो सेंसर है, आपके शऊर में आने से पहले जब आपने कहेंगे ना कि ये मैंने अपना शऊरी फैसला किया, उससे 6 सेकंड पहले मैं ये जानता हूँ कि आप शऊरी तौर पे क्या फैसला करने वाले हैं और कौन सा हाथ उठाने वाले हैं, ठीक है। और आप समझेंगे कि जी मैंने ये हाथ इस वजह से उठाया, इसमें ये मकसद इन्वॉल्व था, ये हयात जिंदगी मेरी थी, फला था फला था। अगर जब आपको पता भी नहीं था ना, तब मैं भी आपको बता दूंगा कि आप ये करने वाले। अब आप सोचेंगे कि मैंने फला चाहिए से उठाई है, मगर आपके जेहन में वो मुहर्रकात उस तरह उतारे होके आपको उस नतीजे पर आना ही आना है। अब अपना हाथ भी का जो आपका शऊर है ना, वो फ्री विल नहीं है, इसी वजह से तो वो चीजें आई थी कि ये लिमिट एक्सपेरिमेंट चलाता 1985 में भी हो चुका, लेकिन उस टाइम तो कोई 500 मिली सेकेंड या 50 मिली सेकेंड पहले हम जान पा रहे हैं। अब 6 सेकेंड पहले आप बता सकते हैं कि जी ये आपने शोरी फैसला करना है, तो इस पे बुरा इससे अगर आप इस इंफॉर्मेशन से अगर आप अंदाजा आगे करें कि आप कहेंगे कि मैंने फना चाहिए की वजह से ये किया था, मगर मुझे तो उस समय भी पता था कि आप ये करने लगे जब आपका चाहिए भी नहीं था, लेकिन तब भी आपने करना था। और जो आपका चाहिए वो आपका अपने अखलाक की मुतलकियत पे खड़ा है, हम समझते हैं कि हमारा अखलाक वो अखलाक है या वो मानी है या वो मकसदियत है जो मुतलक है, लेकिन जब आप इस तरह इंसान के अकल का अहाता करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे जज्बात, हमारे एहसास, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारा सब कुछ, सब इमोशन इजाफी है, इजाफी से बड़ा रिलेटिव है, ये सिग्नल्स की वजह से हो रहे, असल उसी जात के पास उसका जो असल है। तो अब फिर वो और अंदाजा हो रहा है हुस्न का खेल फरमा रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो खुद ही अपने साथ ही फरमा रहा है, क्योंकि जो जो कुछ है अगर उसका अव्वल वो है, जो जो कुछ है अगर उसका आखिर वो है, और जो जो कुछ है अगर उसका जाहिर वो है, और जो जो कुछ है अगर उसका बातिन भी वो है, तो फिर आप किधर है, आप नहीं है। लेकिन ये से आगे मैं सिर्फ कह सकता कि देयर अगेन इट्स अ डेंजरस नॉलेज टाइप चीज चली जाती, लेकिन ये है कि वो अपने साथ ही फरमा रहा है, अपने ही अपनी ही जलवा गरीब में है, अपनी ही तजल्लियों में है, और अपनी ही तजल्लियों के साथ वो खुद इंटरेक्ट कर रहा है, हतमी तौर पर कर रहा है। यू आर बाउंड टू डू दैट, यू आर डेस्टिन्ड टू डू दैट, जो जिसके अंदर वो सिफाती अक्स के तहत एक अजमाली सिफ्त के अक्स के तहत एक अजमाली मंजिल पे ले जाता है, उसी की अता है, उसी की नजर है। मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला की ही अता भी है, और ये हमारी चॉइस, ये हमें लगता है कि ये हमारी चॉइस है, लेकिन एक लेवल के ऊपर आके मुझे ये फील हुआ था कि ये मेरी चॉइस नहीं है, मतलब ये अल्लाह ताला की अता होती है, और अल्लाह ताला ही जिस बंदे को जिस भी मकाम पे पहुंचाना चाहता है पहुंचाता है। हमारी कोशिश का कोई अमल दखल नहीं है, या हमारी चाहत का भी मुझे लगता है कि कोई अमल दखल नहीं है। अगर मैं मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी तो प्रॉब्लम्स तो मेरी बहुत डिफरेंट सी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने नई नई बातें सीखी कि अच्छा हाँ, ये इश्क और माशूम की और बाबा जी और अल्लाह और सरकार दो आलम की बातें यूजली हम लोग नहीं सोचते थे, लेकिन ये कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी जो है मैं आपको ख़त्म करनी है, और आपको मतलब ये वाली चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी, तो मैंने एक लेवल के ऊपर आपके मतलब ये वाली भी चीज़ें कोशिश की कि आप जो है आप अपनी चॉइस को छोड़कर अल्लाह ताला की चॉइस जो है उसको करें कि अच्छा अल्लाह क्या चाहता है आपसे, लेकिन एट द एंड मुझे यही फील हुआ कि ये सारी की सारी आपकी कोशिश और आपकी चाहत का अमल दखल नहीं है। आप अपनी जब तक अकल से चलते रहते हैं ना, तब तक आप किसी भी जगह के ऊपर बल्कि शायद अपनी ड्यूटी भी नहीं देख पाते, जो कि आपको आपसे लेनी, अगर मेरे से आई सी में ड्यूटी लेनी है और मैं सोचूँ कि अच्छा मैं कहूँ कि मैंने तो मतलब ये काम करना है या मैं अपनी मैं मिटाना चाहती हूँ, ये सारा का सारा अल्लाह ताला की अता है। और ये सोचना, और जब हम अकल से काम करने की कोशिश करते हैं और अपने बारे में अंदाजे लगाना शुरू करते हैं,
फिर सारे के सारे उसका कोई आपको रिवॉर्ड या कोई भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको एट एंड यही फील होगा कि ये सारा टाइम जो है ये मैंने वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको एट द एंड यही फील होता है कि मुझे सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसा कि मैं हूँ, और उस लेवल के ऊपर एक्सेप्ट करना जहाँ पर अल्लाह ताला चाह रहा है मुझे। ड्यूटी मेरी आईसीयू में मैं कहूँ कि नहीं, मैंने गवर्नर हाउस में ही ड्यूटी देनी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर मेरा बहुत अरसे तक क्लैश होता रहेगा जब तक कि मैं ये नहीं मानूंगी कि मुझे जो है अल्लाह ताला ने मेरे से आईसीयू में ही ड्यूटी लेनी है, और या कोई और है वो कह रहा है, वो मुझे देख के ये सोच रहा है कि ये तो आईसीयू में, मैंने आईसीयू में ड्यूटी देनी है, ठीक है ना। तो मतलब ये अल्लाह ताला की जो ये वाली जो डिवीजन है, लिहाजा इसको मानना, और आप किस लेवल के ऊपर हैं आपको खैर शुरू में ये पता भी नहीं चलता, आप यही सोचते हो कि अच्छा मतलब मेरे से ही अल्लाह ताला ने सारे काम लेने हैं, या मैं मतलब ऑब्वियसली आप हमेशा एम जो है वो टॉप के लिए करते हैं ना, आप देखते हैं कि अच्छा मतलब ये बातें जब हम सुनते हैं, या खैर मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन बातें ही सुन के आप फैसिनेट होते हो, या आपके पेरेंट्स जो हैं जो उनकी थिंकिंग है, या जो वो बचपन में आपको कहानियाँ सुनाते हैं, फिर आप भी वैसे ही सोचते हो कि अच्छा यार इसको तो ये होता था, या इसको तो ये वाली बातें जो हैं आप उनके लिए जो है वो करना शुरू कर देते हो, कोशिश या फिर सोच आपकी जो है वहाँ पे अटक जाती है। लेकिन असल में सबसे पहले जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मेरे से जो है यही ड्यूटी लेनी है, और इससे आगे मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं आता है मुझे ख्याल के जैसे कि मैं दुआ और सूरह रहमान से बाहर तो कभी कोई बात करती ही नहीं, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आती ही नहीं है बात, लेकिन ये कि अब ये वाली मेरी कोशिश हो कि मैं जो हूँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस वाली या बुक्स वाली मैं पढ़ भी लूँ मुझे याद नहीं रहती, या फेसबुक पर भी बहुत अच्छी बातें जो हैं वो शेयर होती हैं वो मुझे याद नहीं रहती। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस है, ये कोई सर्दियों में दिसंबर में ही हुआ था, और बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब जितने भी मेरे दुआ के एक्सपीरियंस हुए थे ना वो सबसे वर्स्ट था। हमें बार बार कहा जाता है कि अकल की जान छोड़ दो, अकल की जान छोड़ दो, अकल की, ये कंसिस्टेंटली कहा जाता है। मुझे इस पर बड़ा एतराज़ था कि फिर अकल नहीं तो फिर क्या, और फिर जब मुझे जब दो स्कूल ऑफ थॉट्स का पता चला ना, एक हजरत बायजदी बस्तामी और एक दाता साहब का स्कूल ऑफ थॉट, वो और तसव्वुफ है, उन लोगों को अल्लाह ने साहिब अकल बनाया हुआ है, और वो लोग क्यूरियोसिटी के साथ चलेंगे, हम लोग जो है हमें नॉर्मल टर्म्स में पागल कहा जाता है, पागल डजंट मीन के इसको बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन वी हैव टू बी लाइक अ वेंडरर। हाँ, आप एक डेजर्ट में हो या आप एक शेफर्ड हो, आपके पास स्टिक है और आप बस चली जाओ, जानना ज्यादा मरवाता है, जान के फिर जो फिर आपको जब पता चल जाता है फिर आपके पास सेंक्शंस भी लगती है कि ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं लगना, फिर ज्यादा बंदा फंसता है। तो बी लाइक अ वेंडरर, जिस तरह अल्लाह लेके जा रहे हैं चलते जाओ, और जिस तरह बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा है कि इल्मू बस करीमू, कि एक इल्म की जो एक लिमिट है बस, उसकी लिमिट खत्म ही नहीं होनी होती। जो तसव्वुफ के मुर्शद होते हैं या पीरान होते हैं, उनके पीछे मुरीद चल रहे होते हैं, वो उनको इल्म दे रहे होते हैं, जहाँ से वो फंसे होते हैं उनका मसला ठीक हो जाता है, उनके पास अकल होती है, हमारे पास अकल उस लेवल की, हमने चलना है तो अल्लाह हमें अपनी फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट से ही चलाएगा, फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट आई हमने किया, फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट आई हमने किया, फिर फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट आई, हमें अल्लाह ने मैप दे दिया है, हमने उस मैप को ही देखना जो हमारा दिल है बेसिकली, और उसमें हमें मैसेज आता रहेगा। तीसरा गूगल मैप्स वाली सारे एक मिसाल देते हैं ऊबर की, कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, वो वही चीज़ है जो इल्म है ना बेसिकली, वो बहुत खतरनाक उस बंदे के लिए है जिससे अल्लाह ने इल्म से काम नहीं लेना। और अल्लाह ने अगर हमें ये हजरत बायजदीद बस्तामी वाली क्लास में ही रखा है, तो अल्लाह फिर हमें जानता है कि अल्लाह ने हमें बनाया है, हमारे अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ वैसा फिट इन किया हुआ है, तो अल्लाह ने हमें यहाँ से चलाना है। दूसरी जो दाता साहब वाली क्लास है, अगर अल्लाह ने उस वहां चलाना होता तो अल्लाह ने फिर हमें उस सिस्टम में पहुंचाना था, अब अल्लाह ने एक चीज हमें दी ही नहीं, तो हम उस चीज के पीछे भागते रहे तो फिर हम उस साइकिल में ही चल रहे हैं, मुझे ये लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जो डेंजरस चीज है, जब आपकी थॉट वहां पहुंचती है, जो चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो फिर काफी डेंजरस आपकी कैफियत हो जाती है, फिर आपको अपनी बॉडी को बैलेंस रखना, आपको फिर नॉर्मल रहने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आपकी जो अकल है वो उसको फिर वही बात अकला नहीं थे मौजा ही मौजा। मुझे पूरा वीडियो सेशन था जो मैंने उसको 2-3 दफा देखा है, उससे मैं बहुत क्लियर और रिलैक्स हो गया था, और फिर मैं फर्स्ट कॉल ऑफ आर्ट वाली सिचुएशन पे ही आया कि ये होना चाहिए। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि नो वन सब सब का इंटेलेक्ट डिफरेंट होता है। मैं अपने आप को इंटेलिजेंट
किसी टाइम पे फील करता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि फर्स्ट पावर ऑफ हार्ट है तो डेफिनेटली मैं इस पे चलता हूँ, इस पे मुझे फायदा होता है, सुकून मिलता है। علمه